to my youtube channel in this video we will see a model answer uh, for contravitals generally two questions are asked uh, in the examination uh, from the contravitals it may be asked uh, as uh, discuss uh, the prologue to the contravitals as a portrait gallery and it also may be asked discuss the prologue to the contravitals as a mirror of english society of the 14th century ये दो तरीके का क्वेश्चन अक्सर आते हैं अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रावेटल्स के हवाले से तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं एंड आई एम प्रिटिस श्योर इफ यू राइट दिस आंसर आई विल गेट गुड मार्क्स तो देखते हैं द रिमार्क्स हेयर इज गॉड्स प्लेंटी हैज बिकम एज फेमस एज द वर्क टू विच जॉन ड्राइडन अप्लाइड इट तो जॉन रॉइडन ने एक यहाँ पे रिमार्क्स दिया हुआ था कॉन्ट्रावेजिटल्स के लिए एंड वट इज़ दिस हेयर इज गॉड्स प्लेंटी ये जो रिमार्क्स था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था द स्टेटमेंट रेफर टू द कंट्रोविटल्स एज ए होल बट इट होल्ड्स वैलिड इफ एन इफ कंसिडर फॉर द जनरल परलॉग अलोन हालांकि ये जो स्टेटमेंट था जॉन ड्राइडन के द्वारा एज ए कंट्रोवर्टल्स एज ए होल के लिए था बट ये जनरल पर लोग के लिए भी वैलिड है जनरल पर लोग क्या है जनरल पोलॉग में वन टी ट्वेंटी वनली ट्वेंटी नाइन कैरेक्टर्स का यहाँ पे मैंसन किया गया है यानी ट्वेंटी नाइन कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है तो ये इसके लिए भी वैलिड करता है इट इज़ ऑबियस डाइट द ऑब्जर्वेशन मेड बाई ड्राइडन रेफर्स टू द वायटी एंड अबेंडेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द कंट्रीवाइटेल्स और इस इस जो रिमार्क से क्या पता चल रहा है क्या स्पष्ट हो रहा है कि चौसर ने इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स वराइटी ऑफ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है इससे ये पता चलता है अब देखते हैं इट वॉज़ चौसर टाइलेंट

जैसे हम अपने फोन्स में गैलरी रखते हैं उस गैलरी में बहुत सारे पिक्स होते हैं हमारे अलग अलग टाइम का अलग अलग पोज का वैसे ही चौसर ने अपने जेंडर प्रोलोग में ट्वेंटी नाइन कैरेक्टर्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उनका वहाँ पर करेक्टराइजेशन किया है इसलिए इसको पोर्ट्रेट गैलरी कहा जाता है द पिलग्रिम्स हु कलेक्ट एट टवार्ड इन टू सेट आउट ऑन देयर जर्नी टू कंट्रोवरी बिलोंग टू ए वैरायटी ऑफ क्लासेज एंड प्रोफेशंस और जो पिलग्रिम्स इकट्ठा हुए हैं गैदर्ड हुए हैं टैवेड इन में वो कहाँ जा रहे हैं कंट्रोवरी हैं कंट्रोवेरी जा रहे हैं और कंट्रोवरी क्यों जा रहे हैं वहाँ पे एक श्राइन है सेंट थॉमस बेकेट का वहाँ पे उन उनके श्राइन पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं और वो सारे टैवेड इन में इकट्ठा होते हैं तो वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग वेराइटी के क्लास से थे उनका अलग अलग प्रोफेशन है इच हैज़ हीज और हर स्पेशल पोज एंड एटीट्यूड ड्रेस एंड बिहेवियर द करैक्टर रिप्रेजेंट बोथ टाइप्स एंड इंडिविजुअल और सबका क्या है अपना अलग अलग ड्रेस है बिहेवियर है एटीट्यूड है सबका अपना अलग अलग है और वो जो है साथ में एट द सेम टाइम द पोजेज क्वालिटीज़ विच ब्लैक एप्लीसेड और उन कैरेक्टर्स को लेकर विलियम ब्लैक जो कि प्रिकॉशन ऑफ रोमांटिसिजम है उन्होंने एक क्रिटिसिजम दिया है एक रिमार्क दिया है द करेक्टर्स ऑफ चौ पिलग्रीम्स आर द कैरेक्टर्स विच कम्पोज ऑल एजेज एंड नेशन तो ब्लेक ने कहा था कि जो चौसर्स के पिलग्रिम्स के जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं ऑल एजज को और ऑल नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं रियली में ऐसा हम भी फील करते हैं ऑल द कैरेक्टर्स आर डिफ्रेंशिएटेड फ्राम वन अनदर बाई सेटलेस्ट टचेज ऑफ करैक्टराइजेशन बाई चौसर्स और चौसर ने इतने बेहतरीन तरीके से सभी करेक्टर को प्रजेंट किया है कि वो सभी एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं और वो रियलिस्टिक दिखते हैं क्या है सभी के सभी वो कंटेम्प्रोरी टाइम में वैसा होता था इसलिए वो रियलिस्टिक लगते हैं द प्रोलोग ऑफेन रेफर्ड एज ए सोशल क्रॉनिकल एंड चौसर एज ए सोशल हिस्टोरियन तो प्रोलोग को एज ए सोशल क्रॉनिकल यानी सोशल हिस्ट्री भी माना जाता है और चौसर को सोशल हिस्टोरियन भी माना जाता है क्योंकि चौसर ने इस वर्क में लगभग अपने कंटेम्प्रोरी टाइम में जो भी सोसाइटी था उन सबके कैरेक्टर्स को यहाँ पे कैरेक्टर्स के माध्यम से प्रजेंट करने का कोशिश किया है जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में हो रहा था इस वर्क में इन कैरेक्टर्स के माध्यम से शो किया है तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को वो दिखा रहा है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्क है सोशल क्रॉनिकल है और चौसर एक सोशल हिस्टोरियन है थ्रू थ्रू द क्लेवर डिवाइस ऑफ पिलग्रमेज Chaucer has been बिन एबल टू the द रिप्रेजेंटेटि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द वाइडेस्ट पॉसिबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिज डेज तो इस, इसने एक बहुत अच्छे तरीके से ये डिवाइस का यूज किया है वो कौन सा डिवाइस है पिलग्रमेज और इस पिलग्रमेज में अलग अलग करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है और उसने कोशिश किया है कि अपने समय के जो वाइड सेक्शंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी के सेक्शन को दिखाने का कोशिश किया है और उनमें से सबसे जो पहला आता है द नाइट एंड नाइट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं इसको नाइट हेड्स द प्रोकेजन ऑफ द पिलग्रिम्स ही हैज द हाईएस्ट सोशल पोजीशन एमंग चौसर्स पिलग्रिम्स ही बिलोंग टू सिविलियर्स कोड और जो नाइट है वो सबसे उम्दा कैरेक्टर है और एक हाई लेवल का कैरेक्टर है हाई क्लास का कैरेक्टर है क्योंकि नाइट जो है एक अपने आप में एक हाई लेवल है एक अच्छा पोजीशन है मिडियावल समय में नाइट को बहुत ज़्यादा पावर था और नाइट वैसे आदमी को कहा जाता था जो दूसरों के लिए हेल्प करते थे जो बहादुर होते थे और सबसे स्पेशल बात उनमें होती थी कि वो औरतों के लिए बहुत इज्जत और सामान रखते थे तो नाइट का करेक्टराइजेशन इन चार लाइन में फोर लाइंस में हम देख सकते हैं फुलवर्दी वाज ही इन हिज लॉर्ड्स वर एंड थर्टो हैड ही राइड नो मैन फेयर एज वेल इन क्रिस्टेंडम एज इन हिथेंस एंड एवरी ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस तो ये करेक्टराइजेशन है नाइट का जो कि चौसन ने किया है कि वो एक बहुत ही बहुत सारे उसने वॉर्स लड़े थे जीता था और वो अलग अलग जगहों पे जा चुका है वैसे जगह पे गया है जहाँ पे आदमी को डर लगता है वहाँ पे जाने में वो वैसे ऐसे जगह पे भी जा चुका है और सभी उसकी इज्जत करते हैं तो नाइट के साथ में उसका बेटा है स्क्वायर और स्क्वायर के साथ में योमेन है जो कि उस वक्त में मिडियावल टाइम में ऐसा होता था कि नाइट्स के साथ में उसका स्क्वायर और स्क्वायर के साथ में योमेन हमेशा रहते थे तो ये जो स्क्वायर है ये भी बहादुर है इसने भी कई सारे जंग लड़ी हुई है हिज सन टू हैज सोन हिज प्रोवेस इन इन वार्स इजेंट्स द डिवोटी ऑफ कोटली लव एज ई डिस्क्राइब इन द टेक्स तो वो भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ा है बहादुरी से लड़ा है और वो किस चीज़ को प्रजेंट करता है डिवोटी ऑफ कोटली लव को प्रजेंट करता है और uh, स्क्वायर के बारे में चौसन ने ये फोर लाइंस में उसका ट्राइजेशन किया है आप इसको याद भी कर सकते हैं इम्प्राउडेड वाज ही एज इट वर मिड ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर वाइट एंड रेड सिंगिंग वाज ही और फ्लोटिंग ऑल द डे ही वाज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे तो वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था और वो फ्लूट बजाता था और गाने गाना जो हमेशा गाता रहता था और उसकी जो तुलना की गई है मंथ ऑफ मई से क्योंकि इंग्लैंड में मंथ ऑफ मई की तुलना खूबसूरती से की जाती है ये क्वेश्चन भी शायद नेट में आया गया है कि विच कैरेक्टर ऑफ चौसर इज़ कम्पेयर एज मंथ ऑफ मई तो वो है स्क्वायर अब इसके बाद जो आता है सीवेलरी ऑर्डर के बाद जो आता है वो आता है इकलजिस्टिकल ऑर्डर यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेडिगुलर कलर्जी इसमें सारे कलर्जी मैन आएंगे इनमें से कौन कौन से देख लेते हैं वी है प्रायरस अमंग अ फ्रायर अ समनर एंड पार्टनर ये सभी के सभी करेक्टर्स जो हैं वो निगेटिव कैरेक्टर हैं जो अपने अपने वक्त के में जो बुराइयात थी उसको प्रजेंट करते हैं इच प्रजेंट्स द वेरियस डिग्री ऑफ करप्शन एंड डिजेनरेसी तो ये सभी करप्शन और डिजेनरेसी को प्रजेंट करते हैं जो कंटेम्प्रोरी टाइम में फ्री था और इन द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ दैट टाइम तो अपने समय में जो रिलीजियस ऑर्डर में जो बुराइयाँ थी उन, उन सबका ये लोग प्रेजेंट करता है द प्रायरस माइंड सीम्स टू बी डिवाइडेड बिटवीन द रिलीजियस डिमांड्स एंड द अट्रैक्शन ऑफ द सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और जो उसमें करेक्टर है प्रायरस उसका जो माइंड है वो डिवाइड है रिलीजियस में भी डिवीजन डिवाइड है और दुनिया दर फिजिकल जो वर्ल्ड है उसके बारे में भी वो सोचती है द मोटो ऑन हर ब्रूच लव कनकर्स ऑल क्लियरली क्रिएट कन्फ्यूजन तो उसके ब्रूच पे एक, एक फ्रिज है जो कि लैटिन में है अमर विंसिड ओमनिया और उसका इंग्लिश में मतलब होता है लव कनकर्स ऑल तो वो काफ़ी क्रिएट कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है इसके अलावा जो है मोंक है वो अच्छे से खाने का शौकीन है हालांकि सन जो होते हैं वो दुनियादारी से दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं अकेले में रहना पसंद करते हैं बट ये जो है ये दुनिया के हर अच्छी से अच्छी को इंजॉय करता है द मॉन्क हांड्स एंड एन्जॉय समूड मंग जो है शिकार भी करता है ये अपने आप में एक क्या है अपोजिट वर्क है मंग के लिए कंट्रेरी ऑफ हिजबोज ऑफ सेक्लूजन एंड ऑफ जो मंग बनते हैं वो कसम खाते हैं कि अकेले रहेंगे दुनिया से मुंह मोड़ लेंगे वो गॉड के प्रेयर में हमेशा लगे रहेंगे लेकिन इसके जस्ट ये अपोजिट काम करता है द फ्रायर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर्स हैज़ फाउंड इन जॉर्स अस टाइम और ऐसे भी फ्रायर भी है बिल्कुल अपोजिट है ही मेक्स मनी ऑफ बाई मिस यूजिंग हीज अथॉरिटी और जो फ्रायर है ये पैसा बनाता है पैसा कमाता है अपनी अथॉरिटी का मिस यूज करके इसके अलावा है द समना टीचेज द पीपुल टू एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ वाट ही इज अपोज टू दैम और समनर भी जो है बिल्कुल अपोजिट ही सिखाता है जो जिसके लिए वो रखा गया है वो ना सिखा कर लोगों को वो बिल्कुल अपोजिट सिखाता है ही इज़ क्वाइट रेडी टू इग्नोर ऑल द सेन्स ऑफ पीपल इफ दे आर विलिंग टू ड्राइव हम अगर लोग उसको घुस देंगे तो वो उन घुस के बदले उनके सारे गुनाह को सीन्स को पाप को वो इग्नोर कर सकता है क्योंकि उस वक्त में ये पादरी लोगों को अधिकार था कि पैसे लेकर ले लोगों के गुनाहों को माफ़ करते थे सर्टिफिकेट देते थे द पार्टनर सेल्स फॉल्स रेलिक्स एंड बोगस पार्टनर और पार्टनर भी सेम करता है पैसे लेकर लोगों को माफीनामा देता है बट वी हैव द गुड क्रिश्चन्स स्प्रिट एग्जैम्पलीफाइड इन पार्सन एंड ब्रदर प्लोमैन लेकिन इन इन इनके अलावा कुछ एक दो कैरेक्टर ऐसे भी हैं जनरल पलोग में जो अच्छे हैं अच्छे क्रिश्चियन स्प्रिट को प्रजेंट करते हैं और वो कौन कौन से हैं तो वो पार्सन हैं और प्लोमैन है उसका भाई है प्लोमैन इसके बाद जो आता है आफ्टर द इकलजिस्टिकल कैरेक्टर्स वी हैव प्रोकेजन ऑफ मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव और इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं अमंग देम आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड जो ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं लर्न प्रोफेसर जो जो सीकर प्रोफेशन की जाती है उसको प्रेजेंट करने वाले कुछ इसमें लोग हैं सेलर है नाविक है एंड अदर ऑक्युपेशन और और भी अदर ऑक्युपेशन को प्रेजेंट करने वाले इसमें शामिल हैं अब देखते हैं द मिलर टाइप टाइपिफाइज इज क्लास ऑफ द डे इन हीज एबिलिटी टू चीट एंड मेक मनी मिलर जो है ये क्या चीज़ दिखाता है चीट करता है लोगों को ये बहुत ही आसानी से चलाकी से लोगों को चीट करता है और पैसा बनाता है द म्यूनसिपल इज क्लेवर इनफ टू आउट विथ हीज लाड मास्टर और जो एक, ये जो म्यूनसिपल है ये किसी को भी आसानी से मात दे देता है मूर्ख बना लेता है अपने आप को बहुत ही क्लेवर समझता है द रीव चिट्स बोथ हीज लॉर्ड एंड द टर्स और रीव जो है ये अपने मालिक और किरदार को भी चिट करता है यानी ये सारे के सारे ये भी कैरेक्टर जो हैं अपने समय में ये मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स हैं बट ये सब के सब नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं जो कंटेम्प्री टाइम में ऐसा होता था अब इसके अलावा जो राइजिंग इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी इज़ इन ट्रेड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई मर्चेंट हुज मेन डिजायर इज इज़ टू कीप द सी फ्री फ्रॉम पायरेसी उस वक्त में समुद्री लुटेरे वगैरह भी होता था तो उनको प्रजेंट करने के लिए मर्चेंट जो है वो समंदर को प्राइवेसी से फ्री रखने के लिए प्रजेंट करते हैं द शिप मैन ए प्रजेंट्स इंग्लैंड वाइटनिंग पावर ओवर द सी और जो शिप मैन है वो इंग्लैंड के वाइटनिंग पावर को प्रजेंट करता है क्योंकि उस वक्त में पूरी दुनिया में इंग्लैंड्स का बुलबला हो रहा था इंग्लैंड्स हर जगह अपना कॉलोनियल बना रहा था तो इसलिए शिप मैन जो है उसको प्रेजेंट करता है देयर इज़ ए फ्रेंकलिंग हु इज़ हॉस्पिटेबल एंड वेल ऑफ़ और एक फ्रैंकलिंग जो है बहुत ही अच्छा करेक्टर है जो अच्छे लोगों से अच्छे बिहेव करता है और मेहमान नवाजी में बहुत आगे है अब है द लर्न प्रोफेशंस आर प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑफ फिजिक्स एंड लॉयर ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्लर्क जो ऐसा प्रोफेशन जो स्किल होता है जो सीख कर की जाती है तो वैसे करेक्टर्स में प्रेजेंट किया है डॉक्टर ऑफ फ़िज़िक्स और लॉयर क्योंकि ये स्किल होता है प्रोफेशन होता है इसमें पढ़ना पड़ता है सीखना पड़ता है तो इन इन ये जो है इन ऐसे प्रोफेशन को प्रेजेंट करते हैं द मोस्ट वाइब्रेंट पर्सनैलिटी इन द प्रोलोग इज़ द वाइफ ऑफ बाथ और वाइफ ऑफ बाथ जो है भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसने बहुत सारी शादियाँ की थी ये कि अय अमीर औरत है सी इज़ फर्स्ट रेट हर ऑफ़ क्लॉथ्स रिप्रेजेंट द राइजिंग मिडिल क्लास और ये जो है एक कपड़ा बनाने वाली है और साथ में ये मिडिल क्लास का जो राइज हो रहा है उसको रिप्रजेंट ये करती है She indicates the existing social condition in which a रिच सिंगल वूमेन और वन नेवर फॉर लॉन्ग और ये साथ में ये भी प्रजेंट करती है कि सोसाइटी में अगर कोई महिला जो है औरत है वो पैसे वाली है तो वो ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहती है अब इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू कंक्लूड और दज कंट्रोवेटल्स एंड द प्रोलोग इंडिकेट्स ड्राइड एंड व्यू डेट हेयर इज गॉड्स प्लेंटी हमने क्वेश्चन कहाँ से चालू किया था कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने अपने समय को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और सब कैरेक्टर्स अपने अपने क्लास को सेक्शंस को प्रेजेंट करते हैं चौसर हैज़ टेकन इन टू द कंपास ऑफ हिज टेल्स द वेरियस मैनर्स एंड ह्यूमर्स ऑफ द होल इंग्लिश नेशंस इन हिज एज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर्स हैज स्केप्ड हिम तो हम देख सकते हैं कि चौसर ने द इस कंट्रोव टेल्स में करेक्टर्स के माध्यम से कंटेम्प्रेरी टाइम को शो किया है तो ये है आंसर इतना भी आप लिख देंगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएगा आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा अगर ऐसे बहुत सारी वीडियो आप ऐसे ही नोट्स चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइक को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू